बहुत मज़ा आया बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम ऑन लैक्मे फैशन वीक एंड वॉकिंग ऑन द रैंप थोड़ा प्रेशर होता है बट द म्यूज़िक जो हमारा राजस्थानी म्यूज़िक था सो इट वॉज लाइक सूदिंग एवरीबडी सो वी ऑल वर काम होल्डिंग ईच अदर्स हैंड सपोर्टिंग ईच अदर क्योंकि अलका का भी ये फर्स्ट है सो यू नो वी वर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी एंड फाइनली द शो इज़ डन आई एम सो हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग इट जी जी दिमाग में बस ये था कि आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट अलका क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस जुड़ी है उनकी और एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि जिस आपको डिज़ाइनर के कलेक्शन को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना होता है आई डोंट नो वेदर आई डिड फुल जस्टिस और नॉट मैं वापस जाके आई विल सी द वीडियो हाउ आई परफॉर्म बट आई जस्ट होप दैट आई गेट कीप गेटिंग बेटर इसके लिए यू नो द मॉडल्स हु वॉक फॉर ऑल द फॉर द डिज़ाइनर्स जब आप उनको ऑब्जर्व करते हो यू नो दैट्स द मेन हार्डवर्क जो बैक स्टेज चलता है ये मैंने आज महसूस किया कि कितनी जल्दी यू नो यू हैव 16 मॉडल्स हु हैव टू वेयर टू चेंजेस दे हैव टू डू टू चेंजेस सो द केओस एंड द अर्जेंसी एंड दे हैव टू गेट रेडी विद इन 30 seconds और 1 minute इमेजिन गाइज हम लोग तो 1 घंटा 2 घंटा हम अपनी फुर्सत से तैयार होते हैं लेकिन हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम हु इज़ बैक स्टेज जस्ट नॉट द डिज़ाइनर द मॉडल बट ऑल्सो द choreography the person who's in charge to make sure that the model is you know changing on time aur sab kuch proper ho so because 6 mahine ki mehnat aapko 10 minute mein ya 20 minute mein dikhai deti hai ji मैं किसको फॉलो करती हूँ फैशन रिलेटेड आई लव सोनम कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा जिस तरह से वो इंडो वेस्टर्न वेस्टर्न या बीट एथनिक ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनते हैं दैट्स काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन फॉर मी जी मैंने ये सुंदर लहंगा पहना है मलबेरी सिल्क और जैसे कि आप देख सकते हैं जरदोज का ये वर्क है इसके ऊपर एंड इट्स पहले हमेशा चोली पहनी जाती थी स्कर्ट के ऊपर बट इट्स अ ब्यूटीफुल टॉप विच हैज़ गॉट लाइक नाइस फ्रिल और कंफर्टेबल भी है मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी अगर यू नो सुंदर दिखना चाहता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड है वो है कंफर्ट लेवल आई एम वेरी कंफर्टेबल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई हैव टू आई गेट टू वेयर एन आउटफिट जो नेचुरली डाई किया गया है इसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है ये कारीगर का हर जगह नहीं मिलते राजस्थान के अकोला विलेज में या काफ़ी मतलब कम ऐसे कारीगर है जिनकी महीनों की मेहनत आज मैंने ये आउटफिट के थ्रू पहना है शुक्रिया मुझे खुशी है कि 2019 लकी है क्योंकि दोनों फिल्म बैक टू बैक आई एंड नथिंग लाइक बिगिनिंग विद द बेस्ट मैं बस यही आशा करती हूँ कि वॉट एवर माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट कम्स आउट एंड पीपल एक्सेप्ट मी एंड एंटरटेन गेट एंटरटेन बाई द प्रोजेक्ट दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट बिकॉज वॉट एवर आई एम टूडे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू बाहुबली जिसमें शिवगामी उसमें अगेन आई विल बी वेयरिंग लॉट ऑफ ट्रेडिशनल एथनिक आउटफिट्स थैंक यू वेरी मच